अब जो प्रैंक होगा सीधे मम्मी के ऊपर होने वाला। मंदिर में शादी भी कर चुका है। डर मेरे को बहुत लग रहा है मम्मी से, मतलब शादी वादी की बात हो जाएगी शायद। सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज अभिषेक एंड यू वाचिंग एप व्लॉग। स्वागत है आप सभी का, लेट्स गो। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके एक बार देख लो, क्योंकि वो वीडियो अगर नहीं देखो तो हो सकता है ये थोड़ी सी समझ आ तो जाएगी, बट ऐसा लगेगा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो इससे पहले वाली वीडियो भी जाके एक बार देख लो कि ये सब क्यों हो रहा। तो इस वीडियो में हम पार्ट वन कंप्लीट करेंगे। और हाँ, इस चीज़ को लेकर पता है ऐसे मैं करता हूँ ना, तो मेरी तीखा कल कॉल आया, बोल रही है कि ये क्यों करता रहता है ऐसा ऐसा, अच्छा नहीं लगता वीडियो में, बट क्या करें, मुँह पे आ जाता है ना। देखो देखो इसको, यही होता है इसलिए, ठीक है इग्नोर करूँगा इसको, तुम भी कर लो। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि पार्ट वन कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ गए हैं, बहुत नहीं मतलब अपने हिसाब से थोड़े ज़्यादा हैं। अगर मैं सारे पनिशमेंट को एक वीडियो में करूँगा तो वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो एक वीडियो में सही नहीं रहेगा। शिट, मैंने फिर से कर दिया, तो भूल गया। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये पार्ट वन होगा क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था भाई प्रैंक प्रैंक प्रैंक, तो मैंने सोचा ठीक है एक प्रैंक भी कर लेते हैं। तो मैं कॉल प्रैंक करूँगा आज, गेट रेडी। तो किस पे हो सकता है वो सोचो सोचो। इस वाले फ़ोन से हम वीडियो शूट करेंगे, तो कॉल करने के लिए एक और फ़ोन चाहिए, क्योंकि मेरे पास कैमरा तो है नहीं। हाँ लेकिन कोई नहीं, तो वैसे मैं इस फ़ोन से करूँगा तो जिसे भी करूँगा, क्योंकि किसी नोन को ही करूँगा, नोन को नहीं करूँगा, गाली खाना अच्छा नहीं लगता अभी ऐसे नए नए चैनल पे, बाद में खा लेंगे। तो इसलिए किसी नोन को ही करूँगा, तो किसी भी नोन को करूँगा तो उसके पास मेरा नंबर होगा, तो अपना फ़ोन से जीजू का फ़ोन लेके आते हैं फटाफट। तो ये रहा जीजू का फ़ोन, जीजू कुछ काम करे तो मैं फ़ोन लेके आ गया, तो इससे कॉल करते हैं। हो सकता है तो नंबर तो अब नहीं पहचान पाएगा, बट इट माइट बी पॉसिबल कि वो मेरी वॉइस पहचान जाए, तो उसके अभी एक आइडिया। अरे फिल्मों में यही करते हैं ना यार, ऐसे फ़ोन पे लगाते हैं और फिर बात करते हैं, आवाज़ चेंज हो जाती है, होता है ऐसा फिल्मों में होता है। लेट्स ट्राई इन रियल लाइफ। एक सेकंड, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने बताया कि मैं किससे कॉल कर रहा, नहीं ना। अच्छा छोड़ो, अगर बता दिया तो कोई नहीं, फिर से बता दे रहा। प्रियांशु को कॉल कर रहा, मेरा भाई है, मतलब मेरे मामा का लड़का है, वो अभी बैंगलोर में एडमिशन लिया है, तो इसलिए उसे कॉल कर रहा। ये सब क्या करता रहता हूँ यार, हाथ ही क्यों, नॉर्मल बात, ठीक है समझ गए बस समझ। ऑलरेडी नंबर में निकाल दिया और अपना फिल्मी तरीका लगा लेते हैं जुगाड़, वॉइस नहीं पहचाने। फिर से मेरी एक और डर भी लग रही है, पता नहीं क्योंकि कुछ सब फ्लॉप ना हो जाए, ऐसे चौपट ना हो जाए। लेट्स डू इट। शेट यार, जीजू का नंबर इसके पास सेव था, सब चौपट हो गया। शेट यार, उसको पता चल गया कि जीजू का नंबर है। कोई नहीं, तो एक काम करते हैं, अभी मैं जस्ट फिर से अगर कॉल करूँगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ कुछ लोचा है ऐसा तुरंत तुरंत, तो मैं थोड़ा टाइम ले लेता हूँ, फिर किसी और नंबर से अरेंज करता हूँ, कोई नंबर मिल जाए तो जो उसके पास सेव ना हो, फिर करते हैं। और इसके लिए सॉरी, ये जो है ना ऐसे सॉरी। सो रेडी फॉर टेक टू। अभी मैंने क्या किया, प्लान बी, कि मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया, मैंने बोला कि तू उसको कॉल करना, मेरे भाई को, उसका नंबर मैंने भेज दिया और वो उसका ऐसे बोलेगा लाइक कि हम एमएसएम में ऐसे कॉल कर रहे हैं एडमिशन के लिए, आपने अप्लाई किया था, और फिर वो ब्रांच एग्जीक्यूटिव के पास कॉल ट्रांसफ़र कर रहा मैं आपका, वो बोल के वो कॉल मेरे पास ऐसे मर्ज कर देगा, उसके बाद वो म्यूट कर देगा, फिर आगे मैं संभालता हूँ। हाँ हेलो, ओके मैं जुगाड़ कर लेते हैं, फिल्मी जुगाड़। हेलो, हाँ सर, इज इट प्रियांशु? यस सर। या गुड इवनिंग प्रियांशु, दिस इज संतोष फ्रॉम एम एस रमैया। यस सर। तो प्रियांशु, आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था राइट? यस सर। बीसीए ब्रांच में किया है ना आपने? हाँ। तो प्रियांशु सॉरी, लेकिन आपकी एडमिशन इस साल नहीं हो पाएगी। म्यूजिक। सब चौपट हो गया है फिर से, कुछ काम नहीं आ रहा यार, ये भी प्लान नहीं पहचान गया वॉइस, सब ये फिल्मों में सब हमें धोखा दिया जा रहा है भाई, कि ये रख के होता है तो आवाज़ चेंज होती, कुछ नहीं हो रहा, पकड़ लिया गया। लेकिन रुक जाओ, हम गिव अप नहीं करेंगे। अभी जो प्लान है बहुत हाई लेवल का प्लान है, मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी हाई लेवल का। अब जो प्रैंक होगा सीधे मम्मी के ऊपर होने वाला है, लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत हमने ऐसा सोचा प्लान किया है, दी बात करेगी मम्मी से और देखो क्या करती है, बहुत खतरनाक है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो लेट्स सी, दी बात करेगी, चलते हैं उनके पास।
डर मेरे को बहुत लग रहा है मम्मी से, पता शादी वादी की बात हो जाएगी शायद। लेट्स सी मम्मी का रिएक्शन क्या होगा। जी जो फांसी का फंदा तैयार कीजिए, हम सूली पे लटकने वाले हैं। हेलो हेलो, हाँ प्रणाम माँ, पापा घर पे हैं? हम यहाँ चल रहे हैं, तरबूजा वापस करना, तरबूजा खराब दे दिया था। अच्छा, ये बोल रहे हैं? हाँ। ये एक अभिषेक की बैंगलोर में पता नहीं गर्लफ्रेंड बनाया था। हाँ। यहाँ पे घर पे आई हुई है। घर पे? हाँ। क्या करने? पता नहीं, उसके घर वालों से भी बात किए तो बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं, अब आप लोग अपने पास ही रखिए। पता नहीं अब क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा अभी इस लॉकडाउन वाले सिचुएशन में। ये भी गुस्सा कर रहा है, कह रहा है कि घर पे बात करो, क्या क्या करें। हम नहीं बुलाए हैं, वो खुद से ही है। अब पता नहीं अभी से एड्रेस बताया कि क्या, अब अचानक से आ गई है तो हम बोले कि कौन हो, तो फिर बताई, बोल रही बोले कि घर पे बात कर लीजिए। अब यही बदमाश है ही एक नंबर का, अब हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है, फंस गए हम। नहीं वैसे नहीं आई है वो, तो हम ऐसे ही बोल रहे थे, वैसे आती तो एक अलग बात था, ठीक है वो आई मिली चली गई, तो उसके घर वाले बोल रहे हैं कि अब आप लोग ही रखिए, हम नहीं जानते हैं कुछ भी। हम कैसे रख लेंगे, क्या तरीका हुआ आपको किसी के बच्चे को बिना खानदान जाने बिना इधर भेज दीजिएगा? नहीं तो अभी से एक भी बोल रहा है कि रख लो बात कर लो घर पे, हम बोले तुम बात करो, तो कह रहा है कि नहीं हम नहीं बात करेंगे। नहीं तो ये लोग बोल रहा है कि ये लोग पहले ऐसी मंदिर में शादी भी कर चुका है। अभी शेख भी तो बोल रहा है भाई, अब और लॉकडाउन के बाद बोल रही है कि हम सासाराम जाएंगे। ये तो गलत बात है, हम कौन तरीका हुआ, वो अभी से जान रहा है कि मेरा फैमिली कैसा है, अब बाहर आया था काम, तो उसके पसंद से करेंगे रहेंगे, मम्मी पापा क्या तरीका हुआ? तो इसको तुम्हारा अभी से ही ना किया है, वो अकेले थोड़ी बोल रही है। अब कैसे कहाँ भेजे, यहाँ पे फोर्सली किसी को नहीं कर सकते ना मम्मी, पुलिस वुलिस का केस हो जाएगा, हम लोग सब अंदर चले जाएंगे। हेलो हाँ पापा, पापा साइड में आइएगा ना थोड़ा फोन लेकर के। मम्मी पे प्रैंक कर रहे थे हम लोग। अरे पापा कुछ नहीं, मजाक कर रहे हैं हम लोग मम्मी के साथ। चुप रही रिया की, बताइएगा मत अभी। अरे हम ऐसे करेंगे कभी, आप भी ना मम्मी को दीजिए ना, बत बताइएगा, गुस्सा तो गुस्सा दिखाइएगा मम्मी को। बता दो मम्मी को, बता दो। हाँ हेलो, हाँ हाँ मम्मी, वो वीडियो बना रहा था प्रैंक करके, अभिषेक प्रैंक करके वीडियो बना रहा था, मजाक कर रही थी मम्मी। अभिषेक वो टेस्ट ले रहा था मम्मी जी, बोल टेस्ट ले रहा था, बोल रहा था अगर मम्मी मान जाए। अरे नहीं ज्यादा नहीं खिसिया, जानती हूँ देखते हैं, ज्यादा कोई नहीं खिसी आएगा तो कर भी लेंगे। नहीं मम्मी झूठ बोल रही है भाई, लग गई मेरी गंदी। उसके बीच में पापा आ गए, पापा को पता चल गया, पापा लोग रिएक्शन दे रहे कैसे कर लिया ये। मम्मी को समझा लेते हैं भाई, बाद में वीडियो बनाते हैं, मतलब आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। पार्ट वन ये अभी पनिशमेंट का, बहुत लोगों ने बोला था कि प्रैंक करना है, इसलिए पार्ट वन ये था, और पार्ट टू अभी भी कुछ दिनों में आएगा, तो अभी भी आप चाहो तो पिछले वाले वीडियो पे जाके कमेंट कर सकते हो, तो आई बटन में मैं अभी लाइक उस वीडियो का भी लिंक दे दे रहा, तो वहाँ जाके अभी भी पनिशमेंट कमेंट कर सकते हो, अभी एक वीडियो बाकी है, पार्ट वन था।
तो करो, तो तभी मिलते हैं, टड़ा हुआ है, सी यू सून। और यार हर बार भूल जा रहा मैं फिर से, ये इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, पेज यहाँ पे आ जाएगा। और वीडियो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और मिलते अपने को अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई अंधी लग गई, बाय बाय।